भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला हैमिल्टन के सिडोन पार्क में खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं भारतीय टीम में दो बदलाव देखने को मिले। इस मैच में विराट कोहली की जगह शुभमन गिल को मौका दिया गया, साथ ही मोहम्मद शमी की जगह खलील अहमद को टीम में शामिल किया गया। वहीं एमएस धोनी इस मैच के लिए भी नहीं फिट हो पाए। वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम का एक भी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के सामने नहीं टिक पाया और बोल्ट ने धमाकेदार गेंदबाजी की। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन ने की, लेकिन रोहित भी 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बोल्ट ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। उसके बाद शिखर धवन भी नहीं टिक पाए, वो भी बोल्ट की गेंद पर LPW आउट हो गए। धवन ने अपनी पारी में 13 ही रन बनाए थे। वहीं शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो भी बॉल की गेंद को नहीं समझ पाए और उन्हें कैच थमा बैठे। 9 रन बनाकर वो भी चलते हो गए। उनके बाद राइडू और कार्तिक भी बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और ग्रैंड होम ने उन्हें अपना शिकार बनाया। उसके बाद यही हाल केदार जाधव का भी हुआ, वो भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी में 16 रन बनाए थे, वो भी बॉल की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है टीम इंडिया का एक भी खिलाड़ी न्यूजीलैंड के सामने नहीं टिक पाया। तो आपने इस खबर से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि विराट और धोनी की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया का क्या हाल होता है। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।